Hey friends, assalamu alaikum and a very good day to everyone. Hope you all are doing great. May Allah Pak save us all from bad deeds and evil eyes. Ameen. Welcome back to my channel, The Complete Entertainment. तो दोस्तों वेलकम है आपका एक नए व्लॉग में। और दुबई का मौसम जो है वो बहुत 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 बेहतर हो गया हुआ है क्योंकि अक्टूबर का एंड चल रहा है बिल्कुल, और इस टाइम पे विंटर की एक्टिविटीज़ की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ देखें, हम लोगों ने भी एक छोटी सी एक्टिविटी प्लान की है। वैसे तो ये प्री विंटर एक्टिविटी है। हम लोग जो है वो प्लान कर रहे थे कि हम आउटडोर में जाके कुकिंग करें क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड यही है कि जैसे ही विंटर स्टार्ट होता है और विंटर की थोड़ी सी भी आपको वाइब्स फील होनी शुरू होती हैं तो लोग जो है वो अपने खाने पीने का सामान ले जाके बाहर किसी पार्क में या किसी लेक साइड पे इस तरह जाके जो है वो लाइव कुकिंग करते हैं और वहाँ बैठ के इंजॉय करते हैं। तो ये देखिए, मेरे हस्बैंड ने जो है वो एक नया टेंट खरीदा था। हम लोगों ने सोचा था कि हम कैंपिंग करेंगे, तो बस मेरे हस्बैंड उसी टेंट को जो है वो चेक कर रहे हैं कि जब हम कैंपिंग के लिए जाएँ तो हमने इस टेंट को किस तरीके से वहाँ पर लगाना है और कैसे जो है वो हम अपनी विंटर की एक्टिविटीज़ इंजॉय करनी है। तो हमारा प्लान बन गया था लेक साइड पर जाने का। हम कौन सी लेक पर जाते हैं ये मैं अभी आपको आने वाले क्लिप्स में दिखाती हूँ। तो इस वक्त हम जा रहे हैं एक शॉप में और वहाँ से हमने जाकर थोड़ा सा सामान खरीदना है। हमारे पास स्टोव वगैरह तो है मगर यहाँ जाकर हम लोगों ने जो है वो लाइट लेनी है क्योंकि जाहिर है जब अंधेरा हो जाता है तो बहुत डार्क हो जाता है और ऐसे में जो है वो कुकिंग करना मेरे लिए लाइव मुश्किल हो जाएगा। वो ये रही, ये कह रही है, ये भी लगी हुई, ये वाली अच्छी है, स्टैंडिंग है, कोई इशू नहीं होगा। ये 39 की है। इसकी लाइट कितनी, रोशनी कितनी है देखना। ये इसकी लाइट सोलर है, बट वैसे कनेक्ट हो जाएगा, फुल कनेक्ट विद विद व्हाट कम्स विद वायर और नो नो ओनली सोलर, ओनली सोलर। तो रात में, तो रात में तो नहीं चलेगी फिर। हां, ये लो एंड वाइट कलर, सो इट विल नॉट वर्क एट नाइट। No, it will not charge at night, but it doesn't have any other charging. Only solar. Only solar. Okay. You can make charge also. You can charge. चलें जी, लाइट तो हम लोगों को मिल गई थी। और यहाँ पर देखें, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि यहाँ पर कैंपिंग के लिए लो सीटिंग अरेंजमेंट्स के लिए इन्होंने कितनी ज़्यादा वैरायटी रखी हुई है। और ये पूरा यहाँ पे इन्होंने सेटअप भी करके दिखाया हुआ है कि जब आप बाहर कैंपिंग के लिए जाएँ तो आप इस तरीके से अपना पूरा सेटअप कर सकते हैं, कैंप वगैरह लगा के, स्टोव वगैरह लगा के सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो खैर, यहाँ पर हम लोगों ने लाइट ले ली थी और बस लाइट लेके अब हम निकलेंगे क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और हम लोगों को मगरिब से पहले पहले अपनी वेन्यू के ऊपर, अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुँचना था। सनसेट हो रहा है, हमने पहुँचना था अपने डेस्टिनेशन पर बट हम वहाँ नहीं पहुँच सके, हम लेट हो गए हैं। टाइम इस वक्त हो रहे हैं 6:45 और हम घर से निकले थे तकरीबन 3:30-4 बजे। इरफान बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे चीज़ों के लिए। कल से मैं इनको बोल रही थी, इन्होंने बहुत सुस्ती दिखाई है जिसकी वजह से आज हम अपनी डेस्टिनेशन पर जाने के लिए लेट हो गए। तो बस यहाँ पे सनसेट भी होने लगा है। सोचा तो हम लोगों ने यही था कि हम टाइम से पहले पहुँच जाएँ मगर इस वक्त यहाँ पे 6:45 बज गए हैं और आजकल मगरिब जो है वो बहुत जल्दी हो जाती है। 6:05 कम पे या 6:10 कम पे जो है वो अजानें स्टार्ट हो जाती हैं। तो खैर, हम लोग निकल तो गए थे, इरादा यही था मगर क्योंकि हमारे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था और वक्त से थोड़ा पहले निकलना चाहिए था। मगर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं आपके साथ कोई लाइव कैंपिंग या लाइव कुकिंग की वीडियो प्लान करूँगी तो मैं टाइम का खास ख्याल रखूँगी। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है जब आपने कैंपिंग करने जाना हो। तो तो यहाँ पर हम पहुँच गए थे अल कुदरा लेक, और अल कुदरा लेक जो है वो लोकेटेड है अल मरमूम डेजर्ट में जो कि पार्ट है सई अल सलाम डेजर्ट का। और ये दुबई सिटी सेंटर से जो है वो 30-40 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है। ओ, अंधेरा। ओए, क्या सीन आ रहा है, खतरनाक एडवेंचर होने वाला है। इस व्लॉग का नाम भी यही है, खतरनाक एडवेंचर।
लेक किधर गई इरफान? ध्यान से, लेक में जा रहे हैं, लेक में ना चले जाएं वो इतना। ये लेक है नीचे, ये है एक्सपो लेक। मैं कुछ भी नहीं है नीचे, कुछ भी नहीं, लेक भी नहीं। नीचे लेक है, बड़ी खतरनाक पानी सीधा नीचे। ये पानी ना साइड पे सारा पानी है ना। नहीं नहीं, लाइक दैट। जा आया अंदर, जा मार के देख के आना। देखो बोटें चल रही है नीचे। अरे वो अंकल उधर पहुंच गए, हम यहां काम करेंगे। ये क्या बना हुआ? तो यहाँ पर हम लेक साइड पर तो पहुँच गए थे, मगर हम एक प्रॉपर जगह ढूंढ रहे थे कि हमें एक प्रॉपर कैंपिंग करने के लिए जगह मिल जाए, जहाँ पर हम अपना सामान लगाकर जो है वो अच्छे तरीके से हम अपना खाना वगैरह जो हम अपने साथ सामान लाए थे वो हम बना सकें। मगर काफ़ी ज़्यादा घूमने के बाद जो है वो हम फिर, क्योंकि अंधेरा था और लाइट्स बिल्कुल भी नहीं थी, तो हम लॉस्ट हो गए थे। मगर फाइनली जो है वो हमें फिर अच्छी सी एक जगह मिल गई थी बिल्कुल लेक के बराबर में। मगर अब क्योंकि बिल्कुल ही अंधेरा हो गया हुआ था, तो इस वजह से मैं आपको लेक का व्यू तो नहीं दिखा सकूँगी, मगर ये कि हम लोगों ने एक प्रॉपर जगह ढूंढ ली थी। तो ये देखें, जो लाइट हम लोगों ने आज ही खरीदी थी वो लाइट भी यहाँ पे कितना अच्छा काम दे रही है। तो यहाँ पे मेरे बच्चे जो हैं वो सारी चटाइयाँ वगैरह बिछा रहे हैं, और अब हम अपना यहाँ पे पूरा सेटअप लगाएंगे और सेटअप लगा के हम यहाँ पर लाइव कुकिंग करेंगे। अच्छा, अगर टेम्परेचर की बात करें तो आज जिस दिन हम यहाँ पर गए थे वो दिन था सैटरडे का, और यहाँ पर टेम्परेचर चल रहा था तकरीबन 33 से 35 के बीच में। मगर क्योंकि हम यहाँ पर 8:30 बजे, इस वक्त 8:30 बज रहे थे और हम यहाँ पहुँच गए थे, तो बाय द टाइम हम वापस गए हैं तो उस वक्त टेम्परेचर ड्रॉप हो गया हुआ था 28-29 पे। मगर यहाँ पे ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि ज़ाहिर है हम लेक साइड के पास थे तो पसीना वगैरह बहुत आ रहा था। और सबसे ज़्यादा जो हमें परेशान किया था वो हमें परेशान किया था मच्छरों ने। तो लेसन लर्नड कि नेक्स्ट टाइम जब आप आएँ यहाँ पर, क्योंकि ओपन एयर है बिल्कुल, तो यहाँ पर ज़ाहिर है इंसेक्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप अपने साथ कॉयल या मॉस्पेल वगैरह अपने साथ लेकर आएँ ताकि आप अपने आप को मच्छरों से सेफ रख सकें। तो बस यहाँ पर जो है हम अपना चीज़ें अपनी सेटअप कर रहे हैं, अपने चेयर्स हम लोगों ने लगा दी हैं, आइस बॉक्स हम लोगों ने ले लिया था, चिकन वगैरह मसाले स्पाइसेस सब मैं अपने साथ लेके आई थी, टमाटर अदरक लहसुन जो भी कुकिंग वगैरह में चीजें यूज होती हैं। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगी मजेदार सा चिकन मसाला। दे दिया उनको लेटर वापस। थैंक यू बोला। ना बंद नहीं होने। स्लो कैसे करूं? बंद नहीं करना, स्लो ज्यादा नहीं करना, वरना बंद हो जाएगी। मैं इधर ना ना। सबसे पहले हम लोग तेल डालेंगे। ये गया तेल। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन और ये आ रहा है स्पाइसेस। की हसरत आज पूरी हो रही है, खाना बाहर पके। अभी चिकन धोया। चिकन ही हाथ प्याज नहीं डाले थे ना? प्याज नहीं डालते, एक ही डालूंगी छोटा सा। टमाटर में हाथ कड़ाई बनाएंगे। मोबाइल ऐसे लगे हमने कितना खाया, 400 में क्या देखा लाइट के ऊपर। मेरी भी बनाना ना, अकेले उसी की नहीं बनाओ ना, जो कुक है उसकी बनाते हैं। हाँ जी कुक साहिबा, आपको कैसा फील हो रहा है? मज़ा आ रहा है ओपन एयर में बैठ के खाना पकाने का। सबकी बारबेक्यू की स्मेल आ रही होगी, हमारी देसी चिकन कढ़ाई। हम और भी टमाटर लेके आए हैं। तो यहाँ पर मेरी कुकिंग भी चल रही थी, साथ साथ हंसी मजाक भी चल रहा था। ये लोग सब मेरी कुकिंग का मजाक उड़ा रहे थे। और बहरहाल खैर हुआ ये कि कन्फ्यूजन में बजाय इसके कि मैं अदरक लहसुन डाल के पहले चिकन भूनती, मैंने जो है वो टमाटर पहले डाल दिया और अब उसके बाद फिर मैंने जो है वो इसके अंदर चिकन डाला। बट एनीवेज जो फ्लेवर है वो हमारे चिकन मसाले का बहुत ही अच्छे से इन्हांस हो गया था। तो जब टमाटरों का पानी सूख गया तो मैंने उसके बाद उसकी भुनाई कर दी, तो वो हिसाब मेरा बराबर हो गया। स्पाइसेस वगैरह मैं सारी अपने साथ ले आई थी। यहाँ पर मैं सैलड बना रही हूँ और रोटियाँ वगैरह भी हम लोग साथ अपने लेकर आए थे। तो आज के हमारे मेन्यू के अंदर होगा चिकन मसाला और उसके साथ हमारी गर्मा गर्म रोटियाँ। वो क्योंकि चूल्हा टेढ़ा पड़ा हुआ। तुझे फोकस करो। सलाद ना इसी में धुल जाएगा इस डिब्बे में। सुबह नाश्ता करेंगे? नहीं, थोड़ा मौसम और अच्छा हो जाए ना। आप अंडे अंडे ही लेके? अंडे तो मैंने सुबह नाश्ते के लिए लिए, क्योंकि वो नाश्ते के लिए खत्म हो गए। बट ये है कि थोड़ा मौसम ठंडा हो जाए ना, फिर कैंपिंग करेंगे उम्मा के साथ।
तो बस जी, यहाँ पर बातों बातों में, हंसी मजाक और तफरी में हमारा मज़ेदार सा चिकन मसाला भी रेडी हो गया था और बहुत अच्छी शक्ल निकल आई थी हमारे सालन की। आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा है। तो साथ साथ ये बच्चे और मेरे हस्बैंड जो हैं वो सब अपनी नेक्स्ट कैंपिंग ट्रिप की प्लानिंग भी इन्होंने स्टार्ट कर दी हुई थी। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्जॉयमेंट थी, अच्छा रहा, आउटडोर कुकिंग का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी सही रहा। बस ये था कि नेक्स्ट टाइम हम लोगों ने कोशिश यही करनी है कि हम थोड़ा सा जल्दी निकलें ताकि हम ऑन टाइम पहुँच जाएँ और हमें मगरिब के आसपास के टाइम पर हम अपनी कुकिंग स्टार्ट कर दें। तो बस खैर, यहाँ पे हम अपना मज़ेदार सा खाना खाते हैं। ये है मेरी सालन की प्लेट और बस मज़ेदार सा चिकन मसाला हमारा रेडी था और मुझे आइडिया नहीं था कि वाकई ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाएगा और बहुत मज़े का बना था। हमने बहुत इन्जॉय किया। कैंप हम लोगों ने इस दफ़ा यहाँ पर नहीं लगाया था, हम लोगों ने बस अपना मैट्स वगैरह ही बिछाए और मैट्स बिछा कर ही हम लोगों ने थोड़ा सा अच्छा सा फन टाइम कर लिया, क्योंकि ये हमारा आउटडोर का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। तो इस दफ़ा तो हम लोगों ने सिर्फ आउटडोर कुकिंग को ही जो है वो इन्जॉय किया। तो नेक्स्ट टाइम जो है अब हम किसी डेजर्ट एरिया में जाकर एक अच्छी सी कैंपिंग करेंगे, तो उसका भी व्लॉग मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। बहुत मज़ा आ रहा है, मौसम बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा मौसम। पकाने में मुझे बिल्कुल पसीना नहीं आया, बिल्कुल गर्मी नहीं लगी, हवा चल रही है, बट पकाने के बाद मच्छरों ने थोड़ा परेशान किया, अदरवाइज परफेक्ट। तो यहाँ पर शहर से दूर तकरीबन 30-40 किलोमीटर्स दूर एक लेक साइड पे हम लोगों ने काफ़ी अच्छी सी इन्जॉयमेंट कर ली और बहुत ही अच्छा सा टाइम स्पेंड किया एज अ फैमिली हम लोगों ने, क्योंकि वीकडेज इतने ज़्यादा बिजी गुजरते हैं कि हार्डली बच्चों को या मेरे हस्बैंड को टाइम मिलता है घर पे। तो ये एक वीकेंड हम लोगों ने चूज़ कर लिया था जिसमें हम लोगों ने बाहर जाके आउटडोर कुकिंग भी की और अच्छी सी एक इन्जॉयमेंट भी कर ली। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा रहा। अब हम यहाँ पर जो है अपना वाइंड अप कर रहे हैं। दो ढाई घंटे हमारे किस तरह गुजरे हमें पता ही नहीं चला। काफ़ी सारी फैमिलीज़ भी यहाँ पर आई हुई थी दूर दूर, जो है वो उन्होंने आग भी जलाई हुई थी और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। और इसमें दो तीन चीज़ें जो है वो मुझे सीखने को मिली कि मच्छरों को भगाने के लिए यहाँ तो आप अपने पास कहीं पर आग जला लें जिससे मच्छर आपके पास नहीं आएंगे, अदरवाइज़ आप जो है मॉस्पेल टाइप का या कॉयल कोई इस तरह की चीज़ आप अपने पास जला के रखें ताकि फिर कोई इंसेक्ट्स और मच्छर ना आए। सेकेंडली जो है वो लाइटिंग का थोड़ा सा अरेंजमेंट हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही लाइट खरीदी थी और वो एक लाइट जो है वो कुकिंग के जहाँ मैं कुकिंग कर रही थी वहाँ के लिए इनफ नहीं थी। वैसे तो पूरे एरिया को वो रोशन कर रही थी, बट यह है कि स्पेशली कुकिंग करते हुए आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा लाइटिंग की ज़रूरत होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों ने अपने इस फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस में नोट की। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा कैंपिंग एक्सपीरियंस होगा या नेक्स्ट आउटडोर कुकिंग एक्सपीरियंस होगा वो काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि अब हम लोगों को पता चल गया है कि हमें बेसिकली किस किस चीज़ की ज़रूरत है। नहीं तो हाँ, तो ये तो हमने वैसे ही ओकेजनली इस्तेमाल करना ना, उसके बाद तो गर्मियों में तो पैक करके रख ही देना, बस ये अभी दो चार महीने ही है इस्तेमाल किया। कैसा रहा बच्चों एक्सपीरियंस, मजा आया? बंद कैसे करनी है? मजा आया खान, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, वेदर अच्छा रहे तो और अच्छा मजा आएगा। पहले बार एक्सपीरियंस है, ऐसा पहला एक्सपीरियंस हमने कभी किया। खाना वाना पकाने का तो बड़ा मजा आया, मगर ये था कि खाना पका सकते थे, वो वाली तपिश वाली गर्मी नहीं थी जिसमें आप खाना नहीं पका सकते। हवा चल रही थी, हाँ हवा चल रही थी, बहुत चले। तो जी यहाँ पर अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ, अंधेरा काफ़ी है, मगर ये था कि हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा डार्क है, तो हमारे पास लाइट्स वगैरह तो थी, बट ये है कि नेक्स्ट टाइम जो है हम आएंगे तो हमें और भी कुछ लाइटों की ज़रूरत पड़ेगी। बस इंशाल्लाह चलते हैं, चांद भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये आउटडोर कुकिंग का व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों ने भी कभी कहीं पर भी कोई आउटडोर कुकिंग का एक्सपीरियंस किया है तो मेरे साथ जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, मुझे बताइएगा आप लोगों को क्या क्या मुश्किल फेस आई। तो यहाँ पर जाते जाते देखें हमें डियर भी एक नज़र आया और बड़ा खूबसूरत सा ये डियर था। तो चलिए जी अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मेरे चैनल को ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने कमेंट्स का मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो मिलूंगी आपसे एक और नए व्लॉग में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।